है जो गिवन है उसे उनके करेंगे। रिटर्न क्या करना है इसमें, A1 गिवन है 0.6, A2 गिवन है 1.7 एंड D डिफाइन करेंगे A2 - A1। A2 - A1 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, क्या आएगा 7 - 6 1.01। सो D इज 1.1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है n इक्वल्स टू व्हाट 100। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे गिवन है 100 तक टर्म्स गिवन है और 100 टर्म्स के हमें सम निकालने हैं। सो वी नो, हमें पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है, दैट s इन सम ऑफ n टर्म्स, किसी भी n टर्म्स, किसी भी n पदों का योग क्या होता है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। 100 टर्म्स के सम फाइंड आउट करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे a समेशन ऑफ 100, सम ऑफ 100 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी गिवन है, कितने टर्म्स है 100, 100 by 2 into 2a, a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n कितनी है 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे d से, d कितनी है 1.1 ब्रैकेट क्लोज, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 50, सो 50 प्लस 50 इनटू 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से व्हाट विल कम 1.2, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 को 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 50 इनटू 1.2 प्लस 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, सो व्हाट विल कम 108.9 में हम ऐड करेंगे 1.2, सो 50 इनटू व्हाट 1.2 और 1.2 प्लस 108.9 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 110.1, 110.1 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल कम 5 5 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5 और 1 0, डेसिमल ऑफ तो 1 भी 0, मींस 5505। समेशन ऑफ 100 टर्म्स ऑफ गिवन एपी, इस एपी के 100 टर्म्स के सम कितने आ गए 5505। सबसे पहले जो गिवन करेंगे a1 क्या है 1/15, A2 क्या है बच्चों 1/12, हमें क्या फॉलो करने हैं D कॉमन डिफरेंस, A2 - A1 मींस 112 में से माइनस करेंगे 115, वी विल टेक LCM क्या आएगा 60, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 5 15 4 जा 64, 54 जा 16, 64 आया 4 1 जा 4, 5 - 4 1/60, कॉमन डिफरेंस क्या आता है 1/60, और नंबर ऑफ कितने टर्म्स तक हमें मीन सम फाइंड करने हैं, कितने टर्म्स के सम फाइंड करने हैं हमें, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स, मींस नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 11, गॉट इट, और हमें फाइंड करने हैं सम्स, इसके लिए वी हैव फार्मूला, वी नो दैट, हमें पता है सम ऑफ n टर्म इज व्हाट n/2 इनटू 2a प्लस n - 1 इनटू d। बच्चों कितने टर्म्स के एपी फॉलो करने हैं 11 टर्म, सो राइट डाउन हियर इज सम ऑफ 11 टर्म, n कितनी है 11, 11 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n कितनी है 11, 11 माइनस 1 d इज 1/60, नाउ 11 बाय 2 इनटू 2 1 जा 2, 15 1 जा 50 प्लस 15 1 जा 50, 11 माइनस 1 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, गेटिंग इट, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, क्या आ गया बच्चों 11 बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2 बाय 15 प्लस 1 1 जा 1 1/6, क्या आता है 1/6। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक नो एनी प्रॉब्लम, नाउ 15 और 6 का एलसीएम हमारा क्या आता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 6, 15 एंड 6 का एलसीएम वी विल गेट, ब्रैकेट के अंदर है 15 एंड 6 का एलसीएम वी गेट 13, आप करके देख सकते हैं लाइक दिस, 2 3 जा 6,
3 5s are 15, 3 1 is 3, 3 2 is 6, it's further 30. 30 aa gaya, right? Now 15 2s are 32, 2 2s are 4. Kya aya? 4. Plus 6 5s are 30, 5 1s are 5. Understood? 11 by 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 5 प्लस 4, 9, 9 बाय 30. गेटिंग इट? बच्चों यहां तक समझ में आ रहे हैं? 11 9 जा 99, 3 32 जा 60. वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 610, मींस 33 बाय 20. Sum of the 11 terms of the given AP is 33 by 20. दिए गए AP के जो 11 terms है उसका sum क्या आता है? 33 by 20. I hope you understood it. आया समझ में? It's too easy. बच्चों go on practicing it.